हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा, हम लोग गुलमर्ग से आ चुके थे श्रीनगर, और श्रीनगर में आके हम लोगों ने लंच किया और फिर हम लोग फिर से घूमने के लिए निकल गए, क्योंकि ये वाला लास्ट दिन था हमारा श्रीनगर में, मतलब के कश्मीर में। दूसरे दिन हम लोग निकलने वाले थे सीधा जम्मू के लिए, और फिर जम्मू से हम लोग दिल्ली जाने वाले थे। तो लास्ट दिन था, तो हम लोगों ने बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ा, हम लोग सीधा आए श्रीनगर से। और फिर मुझे है ना कश्मीरी कपड़ों में, कश्मीरी ड्रेस जो होते हैं उसमें फ़ोटोशूट करना था, मतलब कश्मीर जाओ और कश्मीरी लुक ना लो तो हो ही नहीं सकता। तो कश्मीरी ड्रेस में मुझे शूट करना था, तो बॉटनिकल गार्डन में वो वाला होता है शूट, तो सिर्फ शूट करने के लिए, कश्मीरी ड्रेस पहनने के लिए, कॉस्ट्यूम पहनने के लिए हम लोग बॉटनिकल गार्डन गए। और मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रॉमिस किया था, अरे कुछ भी हो मैं तुम्हें वो ड्रेस पहनना होगा, तो वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए हम लोग इतने थके हुए थे, फिर भी हम लोग वो गार्डन गए। और अभी हम लोग अभी ढूंढ रहे थे कि हमें कहाँ पे मिलते हैं वो ड्रेसेस वगैरह। बहुत से लोगों ने हमें कहा था कि बॉटनिकल गार्डन में आपको मिलेगा, तो बॉटनिकल गार्डन आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ है आजू बाजू में और पूरी ग्रीनरी है, फाउंटेंस है और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल, मतलब कश्मीर में फूल बहुत प्यारे प्यारे हैं, पेड़ हैं, मतलब बहुत ही देखने के लिए तो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। और ये है ना जो बॉटनिकल गार्डन, वो डल लेक के पास ही मौजूद है, मतलब श्रीनगर में बहुत से गार्डन हैं, श्रीनगर ज़्यादातर गार्डन और ये डल लेक के लिए फेमस है, बहुत से गार्डन से हम लोगों से तो बहुत मिस आउट भी हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाएंगे तो हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप एंटर करते हो, साइड में बहुत खूबसूरत सा लेक है, उसमें फाउंटेंस है, और बहुत से लोग शाम में यहाँ पे टहलने के लिए, कश्मीरी मतलब वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो बहुत आए हुए थे घूमने के लिए, और कुछ स्कूल्स की ट्रिप्स आई हुई थी, बहुत से फैमिलीज़ घूमने आई हुई थे। तो गार्डन का एनवायरनमेंट जो था वो बहुत ही अच्छा था, पूरा साफ़ सुथरा था, क्लीन था, फ़ोटोशूट वगैरह आप आराम से अच्छे से कर सकते थे। और फाइनली मुझे यहाँ पे मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी, मतलब जो मुझे फ़ोटोशूट करना था कश्मीरी कॉस्ट्यूम्स में, मुझे उसका पोस्टर मिल गया और वहाँ पे मुझे दिख गए थे यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स रखे हुए, ये देख सकते हो आप इतने सारे थे, आपको इसमें से चूज़ करना है और सारे बाकी की सब चीज़ें लेने हैं। मैंने अपना आउटफिट चूज़ किया और पहन लिया था, आप देखना मेरा लुक कैसा लग रहा है, बहुत ही प्यारी लग रही थी मैं, कश्मीर की कली तो बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर जाके वहाँ का लुक लेना। और मैंने मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मना आया, बहुत मस्के लगाए, तब वो रेडी हुए, बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहे थे, फिर बहुत मस्के लगा लगा के वो रेडी हो गए, और मैंने बोला एक फ़ोटो सिर्फ मेरे साथ ले लो, तो वो भी रेडी हो गए। अब हमारा फ़ोटोशूट स्टार्ट होगा, मैंने रील भी बनाई है, आप लोग मेरे इंस्टा पे जाके चेक करना, हम लोगों ने रील बनाई और फ़ोटोशूट किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। वो लोग उनके कैमरे से भी फ़ोटो क्लिक करते हैं, लेकिन चार्जेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए हम लोगों के पास अच्छे फ़ोन थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोगों ने उनका कैमरा नहीं लिया, हम लोगों ने हमारे फ़ोन से ही फ़ोटोज़ क्लिक किए, तो हमारे पैसे बच गए। और वहाँ पर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत बार्गेन किया, एक इंसान का शायद 150 था आउटफिट का, या 250 समथिंग कुछ तो था, और अगर आपको उनके कैमरे से फ़ोटो लेना हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा था। तो हम लोगों का फ़ोटोशूट रील वगैरह सब हो गई, और हम लोग जिस मकसद के लिए गए थे वो तो हो गया वहाँ से, फिर हम लोग रिटर्न आके, और स्कूल के ट्रिप के बच्चे आप देख सकते हो, और बॉटनिकल गार्डन अच्छे से घूमने के बाद फिर हम लोग आए हैं लाल चौक स्ट्रीट, लाल चौक मार्केट में। ये लाल चौक में जो है हर संडे को मार्केट लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, मतलब आप चीपेस्ट कहोगे तो चीपेस्ट मार्केट लगता है, जैसे कि सरोजिनी मार्केट दिल्ली में होता है, वैसे ही यहाँ पर यह मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है संडे के दिन श्रीनगर में लाल चौक में। तो आप जब भी जाना, संडे का दिन हो तो ये वाले मार्केट में ज़रूर जाना, सस्ते सस्ती चीज़ें आपको मिल जाएगी, लेकिन स्ट्रीट पर होती है, बाकी की शॉप्स होती है उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपको ब्रांडेड भी मिल जाएगी। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए वॉइस में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, और वीडियो भी नहीं अपलोड करने का यही रीज़न था, तो थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट कर लेना, तबीयत ख़राब है इसलिए मेरी सांस फूल रही है, आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये मार्केट है, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, और ओवरऑल ये मार्केट बहुत ही अच्छी है, और लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सस्ती चीज़ें बहुत मिलती है। ये वाले सब चप्पल थे, मतलब जैसा मुंबई में कैसा होता है मार्केट वैसा ही था,
तो अच्छा लगा वो देख के। लास्ट डे था, हमें शॉपिंग भी करनी थी तो हम लोग भी गए। शॉपिंग बहुत सी हमें शॉपिंग करनी थी, घर वालों के लिए लेना था, फ्रेंड्स के लिए लेना था, फैमिली के लिए लेना था, तो शॉपिंग करने के लिए हम लोग निकल पड़े। और उस दिन संडे भी था तो हमें सस्ता वाला मार्केट मिल गया, लेकिन सस्ते वाले मार्केट से हमने किसी के लिए कुछ नहीं लिया, बट वो वाला मार्केट जो है पूरा एक्सप्लोर करना था मुझे, मैंने इंस्टा पर बहुत देखा था तो एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। ये वाला भी एक मार्केट है, लेकिन हम लोगों को एक जो है लाल चौक में शॉप थी वहाँ पे अंकल के पास बहुत अच्छी कुर्ती थी तो हम सीधा उन्हीं के पास गए, क्योंकि उन्हीं के पास क्वालिटी भी अच्छी थी और उनके पास प्राइस भी अच्छा था। तो हम लोगों ने ये वाले मार्केट से कुछ भी नहीं लिया, बस घूमा, और फिर वो अंकल को हमने बोल के आए थे कि हम कल आएंगे, उन्हीं की शॉप पर गए। तो ये वाला मार्केट देख के मुझे तो नाकुदा मोहल्ले की याद आ रही थी, वैसे ही सारी दुकानें थी छोटी छोटी, मार्केट वैसे ही था। और ये लाल चौक है, ये श्रीनगर का क्लॉक टावर है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और ये लाल चौक की स्ट्रीट जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। रात के टाइम यहाँ पर घूमने बहुत अच्छा लगता है, लाइट्स होती है बहुत प्यारी प्यारी हर शॉप के वहाँ पर, और हर बिल्डिंग्स पर इतनी वार्म लाइट लगी हुई है तो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं, बहुत ही प्यारा है ये। और ये वाली वो शॉप है जो कि मैंने आपको बता ही, अंकल को हम लोग बोल गए थे कि हम यहाँ पे आएंगे आपके यहाँ पे कुर्ती लेने, तो हम लोगों ने यहाँ से सबके लिए कुर्ती ड्रेसेस वो सब ले लिए, मैंने अपने लिए ली, घर वालों के लिए ली, कश्मीरी जो स्पेशल कश्मीरी हाथ हैंडकारी मतलब बोलते हैं ना वो वाले ड्रेसेस कुर्तेस जो कुर्ती जो है वो ले लिए हम लोगों ने, सारी शॉपिंग कर ली। और फिर हमें बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की भूख लगी थी तो अभी हम कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद घर चले जाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन हमें निकलना था जम्मू के लिए जैसे कि आप सबको पता है। फिर हो गया नेक्स्ट डे, फिर हम लोगों ने लिए ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि सब घर वालों के लिए कुछ खाने के लिए भी लेके जाना पड़ेगा ना, और अपने लिए भी, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से ड्राई फ्रूट्स लिए। ये वाले भाई हैं, उनके शॉप में बहुत ही अच्छे ड्राई फ्रूट्स थे। और फिर हम लोग आ गए श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर। अभी आप लोग कहोगे रेलवे से कैसे क्या आप जा रहे हो, क्योंकि रेलवे तो जम्मू तक जाती नहीं है श्रीनगर से, अभी स्टार्ट होने वाले क्योंकि अभी चेनाब ब्रिज जो है वो बन गया है और जल्द ही जल्द श्रीनगर टू जम्मू ट्रेन चालू होगी। अभी हम लोग जा रहे हैं वो आधे तक बनिहाल तक, हमारी ट्रेन आ गई थी श्रीनगर से, हम लोग आ गए थे बनिहाल तक, ये हम लोग बनिहाल स्टेशन पे उतर चुके हैं और बनिहाल से फिर हमको जाना था जम्मू तक। फिर बनिहाल से हम जम्मू कैसे जाएंगे, स्टेशन के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, टैक्सी होती है, आपको वो टैक्सी पकड़ के जाना है जम्मू तक, तो बीच में वो रुका दें खाने पीने के लिए, मतलब हम लोग बनिहाल से अभी टैक्सी पकड़े और हमने यहाँ पर हमारा सफ़र शुरू कर लिया। तो यहाँ पे रात हो गई थी, हम लोग रात में पहुँचे जम्मू, और फिर जम्मू के बाद हम लोग आगे आए हैं ये स्लीपर बस में, फिर हम लोग स्लीपर बस में गए और स्लीपर बस से हम लोग पहुँचे दिल्ली, क्योंकि हमें दिल्ली रुकना था इसलिए हम लोगों ने इतना सब मगजमारी की है। हम लोगों का पहले टिकट बुक नहीं था, हमारा कुछ प्लान नहीं था, हम लोग बस ऐसे ही रैंडम एक्सप्लोर करने निकल गए थे। अगर प्लानिंग से जाओगे तो आप लोग फ्लाइट की या तो ट्रेन की टिकट पहले से बुक कर सकते हो, हम लोगों की टिकट कोई बुक नहीं थी इसलिए हम लोग ऐसे जुगाड़ करते करते आए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा हुआ और ये स्लीपर बस बहुत ही ज़्यादा मस्त थी। तो हम इस बस से दिल्ली पहुँच चुके थे और ये दिल्ली के रास्ते हैं, हम दिल्ली में ऑटो में बैठ चुके हैं और यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे रूम पे, फ्रेश वगैरह होएंगे। हम लोगों ने आधे दिन के लिए रूम लिया था क्योंकि आधे दिन में हमें घूमना था और रात में हमारी ट्रेन थी दिल्ली से मुंबई के लिए, तो दिल्ली घूमने के लिए भी हमारे पास बहुत कम टाइम था। हमारा प्लान और था कि हम जाएंगे यहाँ पे आगरा वगैरह, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएंगे, अभी सिर्फ दिल्ली घूमते हैं। टाइम बहुत कम था, घर पे भी बहुत सारे काम थे, मेरा कॉलेज था इसलिए फिर हम लोगों का प्लान कैंसिल कर दिया और सोचा अब घर ही चले जाते हैं। फ्रेश होकर हम लोग सबसे पहले आ गए हैं इंडिया गेट, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, हम लोगों ने फ़ोटो में देखा था, हमें घूमना था तो हम लोग चले आए एक्सप्लोर करने इंडिया गेट पर। बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है ये भी और हमारे भारत की शान है, देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे जितने भी हम लोगों के शहीद जवान हैं उनके नाम लिखे हुए हैं इंडिया गेट पे, और बहुत ही अच्छा बाहर गार्डन बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया हुआ है, देख के बहुत ही ज़्यादा सुकून लगता है। और हम जिस दिन गए थे उस दिन दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी तो इतना घूमने के लिए इतनी परेशानी हो रही थी, मतलब ह्यूमिडिटी थी बहुत ज़्यादा, धूप नहीं थी लेकिन बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। आप देख सकते हो इंडिया गेट के नज़ारे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर देख के। पूरा दिल्ली घूमने के लिए आपके पास 2-3 दिन तो चाहिए ही, हमारे पास बहुत कम टाइम था इसलिए हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स ही कवर कर सके, क्यों हमें क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पे भी जाना था तो हमें इसके बाद वहाँ पे जाना है, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा घूमे और फिर चले गए क्योंकि हमारी रात की ट्रेन थी।
तो ये देख सकते हैं आप जूम करके, हम लोग आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे नाम लिखे हुए जितने भी हमारे जवान शहीद जो हैं उनके सारे के नाम लिखे हुए हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए इंडिया गेट से, और हमें ये रास्ते में मोर, ये हमें एक ही नहीं, हमें बहुत से मोर दिखे दिल्ली में रास्ते में, तो इससे सोचा कि हम लोग इसे कैप्चर करते हैं। हमारे सामने से उड़ के गया, लेकिन तब हमारा कैमरा ऑन नहीं था। फिर हम लोगों ने ऑटो ली, और ऑटो से अभी हम जा रहे थे हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर। हम लोग आ गए हैं दरगाह पर, और यहाँ पर आके एक अलग ही सुकून था। तो मैंने तो बाहर रही थी, ये लोग अंदर से जाके ज़ियारत वगैरह करके आए, मैंने वहाँ पे दरूद शरीफ वगैरह पढ़ी और फिर थोड़ा बहुत वीडियो ली, और वहाँ पे कव्वाली भी चल रही थी और उसे भी एंजॉय किया। ये बाजू में मस्जिद है, और हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह के पास में ही हमारा जो मरकज़ है दिल्ली मरकज़ वो है, तो मेरे हस्बैंड जाके मरकज़ में नमाज़ पढ़ते हैं। दोस्तों, तो अभी हम आए हैं निज़ामुद्दीन मरकज़। यहाँ पे है हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार, और ठीक उनके सामने है बिल्कुल यहाँ पे जो हमारे अमीर खुसरो है उनकी मज़ार है, आप देख सकते हो। और फिर मरकज़ और दरगाह के बाद हम लोग का अगला ये जो था मतलब घूमने का प्लान लिस्ट में था वो था लाल किला और अपनी जामा मस्जिद। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि पहले जामा मस्जिद जाते हैं फिर लाल किला फिर कभी आएंगे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद दिल्ली। ये मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली गई थी, इसके पहले मैंने कभी दिल्ली घूमी नहीं थी, तो अच्छा लग रहा था दिल्ली घूम के, मतलब कुछ अलग लग रहा था। वो सिटी बहुत ही अलग है और अच्छी भी है, और बहुत से प्लेसेस हैं दिल्ली में जो कि हम लोगों ने मिस आउट कर दिए हैं। बहुत सा घूमना बाकी है, मतलब दिल्ली आप आधे दिन में तो नहीं घूम सकते पूरा, 2 या 3 दिन तो चाहिए ही। तो जब भी अभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे हम लोग तो दिल्ली में पहले जाएंगे और थोड़ा दिन घूमेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 पे। आप अक्सर जाओगे तो गेट नंबर 1 से जाना, लेकिन हमें ऑटो वाले ने 2 पे छोड़ा और हमें भी पता नहीं था कि ये 2 है। जब हम लोग अंदर जा रहे थे तभी पता चला। गेट नंबर 1 पे खाने की चीज़ें और ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि असलम बटर चिकन और जो रियल वाला मोहब्बत का शरबत है वो गेट नंबर 1 पे होता है, लेकिन गेट नंबर 2 पे भी होते हैं, वो भी अच्छे खासे होते ही है, लेकिन जो मोहब्बत का शरबत वगैरह है वो दिल्ली का जामा मस्जिद का ही है। अभी हम लोगों के यहाँ पर उसका कॉपी होता है तो मुंबई वगैरह में, तो वहाँ पे बहुत ही मज़ा आया, खाने की बहुत मज़े की चीज़ें थी, बहुत ही अच्छी अच्छी दुकानें थी। और जामा मस्जिद की गली तो आप सबको पता ही है कि खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे जो बारबेक्यूज़ होते हैं, जो कबाब्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लजीज लगते हैं। दिल्ली का खाना बहुत अच्छा था, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन मोहम्मद अली रोड के कंपेरिज़न में मुझे गेट नंबर 2 का खाना इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब गेट नंबर 1 पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे, और गेट नंबर 1 की बहुत तारीफ़ सुनी है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना होता है, तो हम गेट नंबर 1 से जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मस्जिद के पास, ये जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे भी सारी दुकानें लगी हुई है, सीढ़ियों से हम लोग चढ़ रहे हैं, और सामने आप देख सकते हो ये गेट है मस्जिद का, ये गेट नंबर 2 है।
और बैकग्राउंड में आप आवाज़ सुन रहे हो कौवे की, वो मुझे वॉइस ओवर करने ही नहीं दे रहा है, क्या करूँ, मुझे उसके साथ ही करना पड़ेगा, वो कब से चिल्ला रहा है, मुझे उसे भगा रही हूँ, भाग भी नहीं रहा। तो खैर जाने, तो हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर सीढ़ी पे। नीचे आप लोग देख सकते हो कितना रौनक मेला लगा हुआ है, ये गेट है और कितना खूबसूरती से बनाया हुआ है, आप देख सकते हो पुराना आर्किटेक्चर ही अलग था, बहुत ही अच्छा लगता है देख के। और एंटर करके मस्जिद में सुकून ही अलग होता है, आप बाहर चप्पल वहाँ पे निकाल सकते हो, वहाँ पे आपके चप्पल की देखने के लिए होते हैं, उन्हें 10-20 रुपये जो आपको देना है वो देना, या तो आप ऐसे ही रख सकते हो। तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही वहाँ पे निकाली चप्पल और ये सब आप देख सकते हो। टोटल वहाँ पे शायद 4 गेट है, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे गेट है, आपको वो गेट से आना होता है, या 3 है, 4 है या 3 है, शायद 3 है तो वो गेट है, तो आपको गेट नंबर 1 से जाना है, हमेशा याद रखना। गेट नंबर 1 पे ज़्यादा चीज़ें मिलती है स्पेशल खाने वगैरह की। तो माशाल्लाह से मस्जिद आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड वज़ू कर रहे थे, ये वज़ू खाना जो है वो है, और कितनी पब्लिक थी वहाँ पे, सब लोग बैठे थे, कुछ लोग इबादत कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे ही बैठे थे, और खूबसूरत था, बहुत ही सुकून वाली जगह है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे जाके, मतलब जाना वहाँ पे वर्थ है, मस्जिद में तो जाना ही चाहिए हमें। मतलब ये बाहर की जगह है, वहाँ से आप एंटर करोगे तो अंदर ये कैफ़े है एक मस्जिद के पास में ही, रात में वहाँ से मस्जिद का जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैंने सबा का जहाँ है उनके ब्लॉग में देखा था, उन्होंने वो कैफ़े में जाके वीडियो डाला था, तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जाएंगे। फिर खाने का सिलसिला हम लोगों ने शुरू कर दिया, मोहब्बत का शरबत, ये रबड़ी और कबाब्स और बारबेक्यूज वगैरह हम लोगों ने खाए। और रात में लाइट्स चलने के बाद आप देख सकते हो मस्जिद कितनी खूबसूरत लग रही है, और जो दुकानें वगैरह हैं वहाँ पे भी पूरी रौनक लगी हुई थी, तो बहुत ही अच्छा आया, लगा, मज़ा आया। हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना पैक करके ले लिया हमें ट्रेन में खाने के लिए, और फिर हम लोग निकल गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब।